बोल रही हाँ सत श्रीकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री, जिस विच अज मैं बना रही हाँ कलरफुल राइस, वह भी स्वीट राइस। तो कलरफुल स्वीट राइस आप कितना बनाओगे आ वेखिए। कढ़ाई गर्म कर चुकी हूँ, एक कड़छी घ्यो दी पावांगी, क्योंकि स्वीट राइस दे घ्यो उत्ते उत्ते शाइनी शाइनी जो होंदे ने घोल के बहुत साल लगदे ने। एक घर बनाया हुआ घ्यो है, नाड़े पा दंगी थोड़ा जा बटर। बटर जेड़ा ना थोड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता, थोड़ा साल्टेड टेस्ट आता ना, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋ ਇਲਾਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਚਾ ਪੰਜ ਲੌਂਗ ਨੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਾਜੂ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਹੈ। ਇਲਾਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਾਂਗੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। फिर पा देंगे आप लौंग, इलाची, नारियल। नारियल तो बिना ना अधूरे है मिठे तौर पर। फिर उस तो बाद आप काजू पा देंगे, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। स्लो तो करना है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं करना है। ये जो कलरफुल राइस ने ना उदो बनाए जाते हैं, जो या तो तेल चढ़ता है या फिर कोई स्पेशल गैसट आता ना उस टाइम बनाए जाते हैं। ये जो राइस ने बहुत घट वारी बनाए जाते हैं, पर बहुत लगते, बहुत टेस्टी ने। तो एक उन्होंने कलरफुल राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने मैं एक दो बारी बना के दीते ना, उन्होंने बहुत अच्छे लगते, तो जर्दे घट खाता है वो। इन तो जर्दा नहीं कह सकते, कलरफुल राइस ही कह नहीं सकते। हूँ मैं किशमिश भी पाती ने, फिर एक तो बाद आप पा देंगे चौल। दो गिलास चौल सी मैं पहले भिओ के रखे हुए थे। हमें इस गिलास के नाल जो मैं चौल नापेगी, तो इस पानी नापा। दो गिलास ने, तो ये मैं साढ़े तीन गिलास पानी पावांगी, तीन अद्धा गिलास हो पावांगा। तुम सोचोगे क्वांटिटी तो घट दसी पानी की, पानी की इस करके दसी क्योंकि मैं ये बाद कलर भी पाने ना, आप इन्होंने कलरफुल बनाना है। हूँ मैं ये चीनी पावांगी, चीनी तो ही अपने हिसाब से पा लेना क्योंकि साडे परिवार से जो मीठा थोड़ा ज़्यादा ही खाता है, तो इस करके मैं दो टक्कन भर के पा रही हूँ। क्योंकि स्वीट राइस ने ना, ये स्वीट राइस पूरी तरह स्वीट होने ता ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। हूँ इन ढक के मैं बक्कन देवांगी, जे ए कुछ भी ऐड नहीं करांगी मैं। हूँ स्लो फ्लेम पर मैं ढक के पकावांगी, स्लो फ्लेम पर पकाने, हाई फ्लेम पर नहीं पकाने है, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है। हम एक बार मैं चौल चेक करांगी, चौल अपने हो चुके ने, बल्कि जो जी मैं चाहिए ही कलर पाने वास्ते वह जो हो चुके हैं। ठीक है, सारे तो पहले मैं ग्रीन कलर पा रही हूँ। फिर उस तो बाद मैं येलो कलर पा दूंगी। फिर उस तो बाद मैं रेड कलर पा दूंगी। ये ना थोड़ा ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मिल गया, रेड प्योर रेड नहीं मिल पाएगा, ये डार्क ऑरेंज है। कबूतर आजा, कबूतर आजा, उसके बाद में लाइट ऑरेंज कर देंगे।
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਕਣ ਲਵਾਂਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੱਕਣ ਦਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਲ ਚੋਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੀ एक बार मैं 2 मिनट वास्ते और पकावाऊंगी और सेक लगावाऊंगे आप हम असि चौल चेक करेंगे आ देखो चौल बढ़िया तरह बन के जड़े तैयार ने कलरफुल चौल हम मैं डिश विच पावांगी सब तो पहले जो बंदा अखा ना खाता है फिर मुँह नाल खाता है इस करके सारी जो भी कुछ बनाओ जी प्रेजेंटेशन बहुत वधिया होनी चाहिए है मैं एक दिन पहले नमकीन चौल बनाए थे अवले कलर वाले तो ये सारे कहने लगे नहीं मिठे चौल ज्यादा वधिया लगने के तो मिठे बना दे इस करके जो मिठे चौल बनाए ने हम इन्हें जो थोड़े डेकोरेट कर देंगे हो जाएगा चल इन्हें थोड़ा डेकोरेट कर देंगे आप कुछ टूटी फ्रूटी पा लेंगे लेकिन टूटी फ्रूटी मैंने अच्छी नहीं लगती चार ही अच्छी लगती है बाबा बड़े स्वाद है कम कबूतर मिठे चौल ये कबीया देख कबूतर देखे कबीया देख आवे लड्डी का चम्मच ले लड्डो चम्मच ले लो अपना लड्डू तो पाया ये चम्मच छोटा जा पाने यम यम कुकी इधर रखो पुतो इधर रखो कैमरा पर डैडी वाले बैठो ले बच्चा यम पिपो हेलो पाला बच्चा है मेरा